आपने सरकार को 2 महीने की डेडलाइन दी कि वो इस कानून को वापस करे, तो पहले तो हमें ये समझाइए कि आपको इतनी आपत्ति क्या है इस कानून से कि आप देश की सरकार को चुनौती और चेतावनी दें। देखिए, हम जिस भारत में रहते हैं, यहाँ पर काफी युवा भाई बहन बैठे हुए हैं, हम जिस भारत में रहते हैं उस भारत को समझना बहुत जरूरी है। हम लोगों की संस्कृति क्या है? हम लोगों की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग एक है, हम लोग साथ में रहते हैं, बिना ये सोचे समझे कि कौन किस जाति से आता है। जाति की बजाय हम लोग आते हैं मानवता से, और हमारी एक जाति है मानवता। ये जो SC ST Act जो आज बनाई है सरकार, जो एक नया रूल लेके आ गई, नई तरीके से प्रस्तुत कर दिया, मैं आप सब युवा भाई बहनों से ये स्पष्ट इन सबके सामने आपसे करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो एक्ट है ये समाज में खाई का काम पैदा करेगी, खाई पैदा कर देगी कि आज मुझे अपने इस भाई के साथ में बैठने में डर लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कल मेरे साथ आज बैठा है, कल वहां जाके कह दे कि इस व्यक्ति ने ये कर दिया और इस व्यक्ति ने मुझे जाति सूचक शब्द बना दिया और बोला है, तो वो क्या करेगा? बोले मुझे डर लगा रहेगा कहीं ऐसा ना हो बिना जांच किए मुझे 6 महीने के लिए अंदर कर दिया जाए और मेरे बीवी बच्चे घर में बैठे रहेंगे, वो तरसते रहेंगे कि 6 महीने कटे तो मेरा घर वाला आए और मेरे बच्चों का पेट भरे। सिर्फ इतना सा डर है कि ये खाई का काम करेगा। ये कानून बदलना चाहिए, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे भाइयों को न्याय नहीं मिले, बिल्कुल मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पहले जांच करो, जांच करने के बाद अगर दोषी हो तो 6 महीने का नहीं, मैं तो कहूंगा अपने भाइयों का साथ देने के लिए कि 7 महीने के लिए उसे जेल में भेजो, लेकिन जांच करने के बाद और जांच से पहले न भेजें, ये मेरा निवेदन है, इतनी सी मेरी मांग है। आपका एतराज केवल दुरुपयोग पर है कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है, उसे रोकने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रेगुलेशन लगाई थी वो लगे। बिल्कुल, कि ये जो एक्ट है उसमें क्लियरली डिफाइन कर रखा है, यदि आप अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उसके जात के नाम से बुलाओगे तो ये अपराध है, अगर उसको गाली दोगे ये अपराध है, उसकी लड़कियों को छेड़ोगे, उसको छेड़ोगे, उसके साथ मारपीट करोगे, उसके घर जलाओगे, ये अपराध है। तो ये जो कानून है दलितों पर, आदिवासियों पर, जो अपराध करेगा, जो मारपीट करेगा, उसको तो भुगतना पड़ेगा। अगर मान लो कोई लड़की को सरेआम छेड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने जाति सूचक शब्द नहीं, मैं साहब कह रहा हूँ बहुत है कि इसने मुझे कहा और जेल में डाल देंगे। सौरभ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ठाकुर साहब का जो मानना है वो हाइपोथेटिकल है, वो केवल एक वैचारिक डर है उनका, साइकोलॉजिकल डर है। कानून, सर मेरी बात पूरी कर लीजिए, ये कानून साफ साफ कहता है जो व्यक्ति अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप अपराध क्यों करते हैं? आप अपराध करने, आपको क्यों अंदेशा है कि निर्दोषों को फंसाए? मैं कहता हूं अगर निर्दोषों के खिलाफ अगर इस कानून का इस्तेमाल होगा, सबसे पहले विरोध करने वाला ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा होगा। मैं गारंटी देता हूं। ये डर आपके दिमाग में है या जमीन पे होता है ऐसा दुरुपयोग? मैं आपको बता देता हूं, 2016 में SC के 5,344 फेक केस दर्ज कराए गए, 5,344 और झूठे केस, और ST के तहत 912। और अभी हमारे अशोक जी ने एक बात कही कि व्यर्थ का डर है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे कृपा करके ये बता दें, ये बात सबूत के साथ कैसे हम बता पाएंगे कि हमने नहीं कहा? मैंने नहीं कहा, सपोज किसी ने मेरा नाम ले दिया झूठा जाके कि महाराज ने मुझे जाति सूचक शब्द से उद्बोधन किया है, अब मैं ये कैसे घोषणा कर पाऊंगा या मैं ये कैसे बता पाऊंगा या मैं कैसे प्रूफ दे पाऊंगा कि मैंने नहीं कहा? जो है तुलसीदास जी का सुना देता हूँ, दो दोहे सुना देता हूँ आपको भी बताऊंगे। पूज्य विप्र ज्ञान गुणहीना, पूज्य ना शूद्र ज्ञान गुण प्रवीणा। दूसरा ये है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये सब कथावाचकों का बताया जाता है, तुलसीदास जी के, मेरी नहीं है ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे समाज में अनुसूचित जाति जनजाति के साथ भेदभाव का व्यवहार होता है, सरकार भी मानती है, कोर्ट भी मानता है, समाज भी मानता है, हमारी इच्छा करने से कुछ नहीं होता। जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्या ये धर्म में भी है? धर्म में भी बिल्कुल, मैं वही बताऊंगी, तुलसीदास जी की लिखी हुई है। तुलसीदास जी ने किसके लिए लिखा है? आपको बता, मैंने तो नहीं लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा है। आपने एक चौपाई एक संदर्भ में कही गई वो पढ़ दी, लेकिन इनको सबरी माँ याद नहीं है साहब, हमको शंभूक भी याद है। अरे हमें हमको शंभूक भी याद है, देखिए अच्छा, मेरी हमको शंभूक भी याद है, हमें एकलव्य भी याद है। आपने सारी बात कही है,
मैं नहीं बोला, मैं शांत था। अच्छा, एक एक करके बात। मैंने कुछ नहीं कहा और इसीलिए मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे धर्म में कोई कमी नहीं है, मेरा धर्म सबको साथ में लेके चलता है, उसमें सबरी गवाह है, उसमें निषाद गवाह है। भगवान श्री राम निषाद को अपने गले से लगाते हैं और निषाद से कहते हैं कि ते मम लक्ष्मण हूं ते दूना, तुम मुझे लक्ष्मण से ज्यादा प्रिय हो निषाद को। लेकिन ये लोग उसको जिक्र नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर ये इसको जिक्र कर देंगे तो समाज में बंटवारा नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा तो वोट नहीं मिलेगी, वोट नहीं मिलेगी तो कुर्सी नहीं मिलेगी, कुर्सी नहीं मिलेगी तो उनका काम नहीं होगा। मैं देखिए साहब, हम तो सदियों से छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आप आइए हमारे साथ। आप क्यों नहीं आते, आप मेरे को बताइए, गांधी जी के बाद किस व्यक्ति ने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, किस कथावाचक ने लड़ाई लड़ी, किस एमपी ने लड़ी, किस नेता ने लड़ी, एक व्यक्ति का तो नाम बताइए। मैं कहता हूँ आप आइए, हम दोनों मिलकर चलेंगे, हम इस देश को बनाएंगे, सशक्त बनाएंगे, बड़ा भारत बनाएंगे। देखिए, तो लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा कि अब सिर अलग, हाथ अलग, धड़ अलग, पांव अलग नहीं हो सकते, हम एक शरीर हैं, हमको पांव का भी उतना ही सम्मान करना पड़ेगा जितना सिर का सम्मान होना चाहिए, बिना पांव के सिर नहीं चल सकता। आप क्या गजब, आप एक बात बताइए, जितना आप लोग मुंह को धोते हो उतना अपने पैर को नहीं धोते हो? हमारे यहाँ तो भगवान के चरणों की पूजा होती है, हम लोग तो भगवान का चरणों तक पीते हैं, एवरी डे पीते हैं। ये बंटवारा तो वो कर रहे हैं जिनको सीट चाहिए, हम बंटवारा नहीं कर रहे हैं। आपको सबको ये बात समझनी चाहिए कि SC ST एक्ट निश्चित तौर पर इस समाज में खाई का काम करेगी। हमें अब न्याय चाहते हैं कि सबको जेल भेजना चाहते हैं? हम तो न्याय चाहते हैं। पक्का? बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी लड़ाई न्याय की है, तो ठीक है, हमारी लड़ाई विद्वेष की नहीं है, तो ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले जांच कर लो, अपराधी को अंदर कर दो और निरअपराधी को फ्री कर दो, इसमें बुराई क्या है? मान लो इस बात को और होने दीजिए, होने दीजिए, इसमें बुराई क्या है? इस देश में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके तहत सजा देनी हो, इन्वेस्टिगेशन करना, उसके एक ड्यू प्रक्रिया है, ठीक है, वो हमारी इच्छा से नहीं होता। अच्छा, मैं एक सवाल आप दोनों से होता है। आपने बात पहले भी कही, मैं एक सवाल आप दोनों से पूछना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने शुरुआत की थी इसलिए। आपने कहा आप तो वसुधैव कुटुंबकम, सबको एकजुट रखने, सबको एक साथ रखने की यात्रा पर निकले हुए हैं, तो हम लोग ये बात क्यों नहीं करते कभी कि हमारे देश में से ये जाति प्रथा ही खत्म कर दे, झगड़ा खत्म, कोई किसी जाति का नहीं, सब बराबर। अभी ये ऑलरेडी धीरे धीरे समय अनुसार अपने आप होने ही जा रहा है। यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति आज अपनी जाति बताने से डरता है, बोलने में गौरव महसूस नहीं करता है बल्कि बताने में डर करता है कि मैं बताऊं तो मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो इसलिए जाति प्रथा तो हमको और आपको पहल नहीं करनी है, वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये बार बार एक बात पे बहस कर रहे हैं कि छुआछूत छुआछूत, मुझे नहीं लगता कि शहरों में 1% भी छुआछूत बचा होगा। साहब, कासगंज क्या है? कासगंज क्या है? कासगंज में 7 महीने तक लड़के की घोड़ी पे बारात नहीं निकलने दी। तो 7 महीने तक, 7 महीने तक 700 पुलिस ऑफिसर को लगाना पड़ा तब ठाकुरों की बस्ती से वो बारात निकल पाई। ये छुआछूत नहीं है, हम इसमें ये आज की बात है, ये पूरे इतिहास की बात नहीं है। ऐसी घटना में हम आपके साथ, वहाँ तो कोई राम नहीं आए सबरी को गले लगाने, क्योंकि क्योंकि शायद आपने चाहा नहीं होगा कोई ऐसा आए। पर चाहा, 6 महीने पंचायत की, घर घर गए, 6 महीने गए घर घर। नहीं नहीं, अगर आप चाह लेते तो वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाती। चलिए कुछ सवाल, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, मैं दिल से चाहता हूं कि ऐसी जो प्रथाएं हैं जहां हमारे भाई बहनों की बेटियों को भी बारात नहीं निकालने दी जाती, मैं आपके साथ खड़ा हूं, उनको ये अधिकार है और उनको ये अधिकार मिलना चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। आइए आज हम ये फैसला करें, जहां भी ऐसी घटना होगी आप और मैं साथ साथ चलेंगे, उस बार आपको निकलवाएंगे, कीजिए फैसला। नहीं बड़ा, हम साथ साथ चलेंगे, चलिए कीजिए, कमिटमेंट कीजिए, प्रतिबद्धता कीजिए ना, मैं चलूंगा आपके साथ, आप मेरे साथ चलिए। अच्छा नहीं, चलने को तैयार हूँ, मैंने तो आपसे पहले कह दी बात जी, ये थोड़ी कहा कि मैं आपके कहने से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी इस बात को कह चुका हूँ और कल विप्र महाकुंभ में मैंने ये अनाउंस किया है। कल वृंदावन में विप्र महाकुंभ था, मैंने वहाँ पर भी ये अनाउंस किया कि हमारे हर वर्ग की बहन बेटी, हमारी बहन बेटी हैं, उनकी भी बारात उसी अच्छे तरीके से निकलनी चाहिए। तो हमको ये समझना पड़ेगा,
गांव देहात का स्कूल जिसमें पानी का इंतजाम नहीं, जिसमें टॉयलेट का इंतजाम नहीं, जिसमें बोर्ड का इंतजाम नहीं, जहां पर मास्टर कभी जाते, टीचर कभी जाते नहीं, आप एक व्यक्ति जिसके पांव हाथ नहीं है उसकी कंपटीशन एक फुल बॉडीड आदमी से कैसे कराएंगे? तो हमको ये समझना है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जो ठाकुर साहब ने कहा दिव्यांगों के लिए आरक्षण है, एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षण है, तो ऐसा नहीं कि उनके लिए आरक्षण नहीं है, लेकिन हमें यह समझना है कि हम को जो सामान्य वर्ग की सीटें हैं वो सारी की सारी उसमें क्रीमी लेयर लगाना चाहिए, सामान्य वर्ग के लिए भी क्रीमी लेयर लगाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो सामान्य वर्ग के जो गरीब बच्चे हैं जो स्कूलों में जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको मौके मिलेंगे, उनको अवसर मिलेंगे। उसकी वजह से जो मौके कॉन्वेंट में पढ़ने वाले अमीर के बच्चे ले जाते हैं वो उनको फायदा नहीं उठा पाएंगे। आप कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय में भी जो लोग समृद्ध हैं उनको ना मिले लाभ, इससे आपको आपत्ति नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सामान्य वर्ग में जो गरीब लोग हैं और जिनका हिस्सा सामान्य वर्ग के कॉन्वेंट पढ़े लिखे लोग धनवान लोग ले रहे हैं उनसे उनको अपना हिस्सा छोड़कर अपने गरीब समाज को देना चाहिए। ये बात सब पे लागू क्यों नहीं होनी चाहिए? सब पे लागू कर दीजिए। यही बात सब पे लागू होनी चाहिए, कर दीजिए सब पे लागू। भाई मैं ये कह रहा हूँ तो सामान्य वर्ग की जो 50% सीटें उस पे लागू कर दीजिए, हम भी लागू कर लेंगे। आप ये हमेशा शर्त क्यों रख देते हैं? पहला रखेंगे ना, हटाओ तो हम करेंगे ना, क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि हमें पता है इस समाज ने सदियों से दलितों के साथ आदिवासियों के साथ उनका अन्याय हुआ है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जाति मैंने दी नहीं तो जाति मेरा मिटाने का अधिकार नहीं। फिर भी इसके बावजूद एक बात कह रहा हूँ कि हम सब शहरों में जाके देख लें, जाति का कोई नाम ही नहीं है। आप जाके देखिए तो सही कहाँ नाम है। और जो गांव में लोग रह रहे हैं वो अपने साथ में हैप्पी हैं, लेकिन जो सीट की लड़ाई लड़ रहे हैं वो अनहैप्पी हैं। साहब वो जबरदस्ती लड़ाने पे तुले हुए हैं। मैं नहीं, मेरी बात साहब खत्म हो जाने दीजिए। दूसरी बात आरक्षण की है, आरक्षण ये मेरा मुद्दा नहीं है और ना ही मैं इस कॉन्सेप्ट पे बोलना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपने पूछ लिया तो मैं ये कहना चाहूंगा जो मैंने चार लोग गिनाए इसमें तो आप भी आ रहे हैं। इसमें ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई जाति विशेष कह दियो कि इसको आरक्षण देना और स्पेशली इसको मत देना। मैं तो ये चाहता हूं जरूरतमंद को आरक्षण मिले और जो जरूरतमंद नहीं है, जो ऑलरेडी कॉन्वेंट में पढ़ चुका है, क्या वो इतना कमजोर होगा कि उसे आरक्षण की जरूरत पड़े? वो किसी भी वर्ग में क्यों ना हो उसे मिलना ही नहीं चाहिए और वो जो जरूरतमंद है सिर्फ उसके लिए होना चाहिए। सर शहरों में भी तो ऐसी एससी हैं तो आप मतलब उनके साथ तो ऐसा कुछ भेदभाव नहीं होता? कोई बात जो इन्होंने भी कही कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो स्लम्स हैं, स्लम में कौन रहते हैं? तो ऐसा नहीं कि शहर में नहीं होता है, शहर में भी होता है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है, सटल होता है दिखाई नहीं देता है। जो IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर हैं, उनके साथ होता है। आपको पता है बाबू जगजीवन राम थे, वो भारत के रक्षा मंत्री थे, वो बनारस गए स्वामी संपूर्णानंद की मूर्ति का उद्घाटन करने। जब उन्होंने मूर्ति का उद्घाटन कर दिया उसके बाद बनारस के बहुत सारे लोगों ने उसको दूध से पवित्र किया। आप कहेंगे 30 साल वाली पुरानी 40 साल पुरानी कहानी है। अभी जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो एक मंदिर में गए, जैसे ही मंदिर से बाहर आए वो निकले, वहां उसको दूध और तमाम चीजों धोया गया। तो ये मानसिकता का सवाल है, ये शहर गांव का सवाल नहीं है। आप लोगों ने देखा योगी जी दलितों के यहाँ भोजन कर रहे हैं जाके देखा कि नहीं? अमित शाह जी को देखा कि नहीं? राहुल गांधी जी को देखा कि नहीं? अब यहाँ कोई जाति वर्ण विशेष रह गया क्या? ये हम लोग क्यों बंटवारा कर रहे हैं जाति के नाम पे? राहुल गांधी भी तो जनेऊ दिखाते हैं, जनेऊ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। राहुल गांधी जी गए कि नहीं? राहुल गांधी जी को छोड़ो, हर एक ऊंचे वर्ग का व्यक्ति, ये लगवाते इलेक्शन से पहले, हर एक ऊंचे वर्ग का व्यक्ति जाके भोजन करता है तो अब जाति रही कहाँ, वर्ण रहा ही कहाँ? हमें सोची क्यों रहे? आपने SC ST पे सवाल उठाया तो हम सब सारे एजुकेटेड लोग हैं, तो एजुकेशन पे आप प्रोसेस क्यों नहीं करते? अगर आप एजुकेशन प्रोसेस करोगे तो मुझे लगता है कि SC ST कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन में ज़्यादा SC ST पे वो करते हैं, उन्हें पहले प्रीफरेंस देते हैं लाइक कॉलेजेस एडमिशन, उनके लिए हम वो बहुत करते हैं फीस कम। तो देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में जैसा भी ठाकुर साहब ने कहा था कि इस देश की आबादी 135 करोड़ है
कोई भी सामाजिक तबका बिना सरकार की सहायता के यहाँ सबका विकास नहीं कर सकता। इसलिए तो मोदी जी कह रहे हैं सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कई तरह की सिस्टम है। गांव का स्कूल है जहाँ टीचर नहीं है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है जहाँ टीचरों की भरमार है, लैब की भरमार है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो सरकारें हैं वो समान शिक्षा समान अवसर देने में फेल हो रही हैं। इसलिए हमको ये समझना है कि दबाव सरकारों पे होना चाहिए, हमारे आपस में नहीं होना चाहिए। ये दबाव एक पक्ष बनाता है तो उसकी सुन ली जाती है, दूसरा पक्ष चाहता है कि मैं दबाव बनाऊं तो मेरी सुन ली जाए, जैसा कि अभी ठाकुर साहब कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये दबाव 2 महीने का टाइम है सरकार के पास और उसके बाद वो होगा जो भारत में आज तक नहीं हुआ, तो बता दीजिए क्या होगा। आप सब जानते हैं, यहां पर सभी लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं और ये सब वोटर हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरी जो ये मुहिम है सबको साथ रखकर आगे बढ़ने की, कौन कौन मेरे साथ है? 99% 1-2% वो आप लेके आए होंगे, वो रह गए, बाकी के ना, मैं भी आपके साथ हूं। 90 भी आपके साथ है। थैंक यू, वेलकम है आपका। 99% लोग ये दिल से चाहते हैं कि समाज टूटना नहीं चाहिए, देश टूटना नहीं चाहिए, देश आगे बढ़े। SC ST को सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक लागू करो, उसमें 1-2 चीज और ऐसी एक्स्ट्रा ऐड कर दो जिसमें कोई अपराधी बचे ना, ये मैं चाह रहा हूँ। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।